मैं मनीषा मेकम किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दही ब्रेड चाट बनाएंगे। नहीं, लेट स्टार्ट। तो लेंगे हम कटिंग ब्रेड, उसके हम छोटे छोटे पीस कर देंगे कुछ इस तरह। और अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों को फ्राई करेंगे तेल में। अब हम इनको ब्रेड के टुकड़ों को तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इन ब्रेड के टुकड़ों को तेल में फ्राई करेंगे। पहले हमने एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम किया है, अब हम इसमें ब्रेड के टुकड़े डालेंगे। ब्रेड के टुकड़े तलते समय आंच मीडियम रखें। अब ये देखो हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम सूखे नॉन स्टिक पैन में इनको सेकेंगे अच्छे से। इससे पहले हमने जो भी इसके अंदर ऑयल था वो टिश्यू पेपर पे लेकर इनको सुखा दिया है, अच्छे से सोख लिया है टिश्यू पेपर ने। सीखने के बाद इसमें अच्छे, ये देखो कुरकुरे की आवाज़ आ रही है। इनको ज़्यादा चलाए नहीं, फ्राई करते समय ध्यान रखें। 3-4 मिनट अच्छे से सेकने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। बाद में हम इसका दही ब्रेड चाट बनाएं। अब इसके अंदर प्याज बारीक कटे हुए और टमाटर, कटिंग किए हुए आलू डालेंगे इसके अंदर, ये भी बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब इसके अंदर ये अच्छे से फेंक के हुआ दही, बढ़िया काम आई, वाह। इमली की चटनी डालेंगे, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। ये अपने टेस्ट के अनुसार डाल देना। और चाट मसाला, और थोड़ी सी बारीक नमकीन और नमक। और थोड़ी सी मिर्च पाउडर और बारीक नमकीन। तो हमारी दही ब्रेड दही चाट एकदम तैयार है।